टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में आज ठाणे महानगर पालिका ने हॉकर्स पर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई गुलाब पार्क मार्केट से कौसा कब्रस्तान अलमास गेट तक किया गया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान कई पान सिगरेट गुटखा बेचने वालों पर कार्रवाई कर सामान जब्त कर लिया गया है। ठेला गाड़ी हथौड़ा मारकर तोड़ दिया गया है और पान पटरी ठेला गाड़ी भी मनपा ने जब्त कर लिया है। मगर सवाल वहीं अभी भी बरकरार बना हुआ है कि सिर्फ हॉकर्स पर ही कार्रवाई क्यों, अवैध पार्किंग पर कार्रवाई आखिर कौन करेगा। दरअसल ये हॉकर्स भी मजबूर हैं रोड किनारे धंधा लगाने के लिए, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। अगर शहर के नेता जिम्मेदारी समझते और काम करते तो मुंब्रा शहर में हॉकर्स जोन इन हॉकर्स को मिल गया होता, मगर नहीं, हॉकर्स जोन तो सिर्फ वादे किए जाते हैं और वो भी चुनावी दौर में। हम हॉकर्स पर कार्रवाई करने का विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर इन गरीब हॉकर्स की आखिर दुख दर्द सुनेगा कौन। जो शहर के जिम्मेदार नेता हैं, अगर इन हॉकर्स के लिए इन्हें हॉकर्स जोन दिला दिए होते तो शायद इन हॉकर्स को आज ये दिन न देखना पड़ता। मनपा अधिकारी कर्मचारी आज शहर में गुलाब पार्क, अमृत नगर, दरगाह गली, अलमास गेट के पास कार्रवाई की है, मगर अवैध पार्किंग जो सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक की बनी हुई है उस पर कार्रवाई नहीं की गई और कब होगी कुछ पता भी नहीं है। हॉकर्स पर कार्रवाई की वजह ये भी बताई जा रही है कि कोरोना मुंब्रा में कंट्रोल है, मगर हॉकर्स धंधा लगाते हैं, इस वजह से काफ़ी भीड़ होती है जो घातक साबित हो सकती है। वहीं कार्रवाई के दौरान काफ़ी हंगामा भी हुआ। एक हॉकर्स घबरा कर अपना ऑटो लेकर भागने लगा, जिसके पहिया मनपा के कर्मचारी जितेंद्र सावले के पैर पर चढ़ गया। दरगाह गली में भी कार्रवाई के दौरान काफ़ी हंगामा हुआ। दूसरा कोई बूढ़ा होता लगने के बाद सॉरी बोले आपको देखा ही गाड़ी पे गाड़ी पे खड़ा जब देख रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर ऑटो रिक्शा क्यों पीछे घुमा रहे थे? इतने तेज में भागने की कोशिश कर रहा है, पीछे लोग खड़े हैं ना। अरे सब मालूम है, नहीं पीछे तो हम लोग भी थे ना, इतने तेज से ऑटो रिक्शा चालू किया तूने, जैसे तुमने दौड़ा है गाड़ी क्या ए उतर रे ए हट हट हट
Yeah.